अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू यास्मीन हुमा खान किचन। आज मैं अपने किचन में अरवी के पत्ते बनाने जा रही हूँ। इसे पतौवे भी बोलते हैं, यूपी में इसको पतौवे बोले जाते हैं और कई जगह पे इसके अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो ये अरवी के पत्ते हैं, ये इस तरह के होते हैं। इसकी हमने सारी डंडियाँ निकाल ली हैं और इस तरह से हमने फाइन चॉप कर लिया है। ये हमारे 250 ग्राम है बेसन, हमारे पास 250 ग्राम ही बेसन है। और मसालों में हमने लिया है 1.5 टेबल स्पून कोरिएंडर पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून जीरा और 2 पिंच मेथी दाना। इन दो चीज़ों को हम बघार में यूज़ करेंगे और सॉल्ट है 1 टीस्पून। इन मसालों में से हाफ हल्दी और हाफ गरम मसाला हम बेसन के साथ ऐड कर देंगे। और बेसन में और डालने के लिए चीज़ें ली हैं हमने, 2-3 हरी मिर्चें ली हैं और 1/2 टीस्पून लाल मिर्ची पाउडर ली है, 1.5 टेबल स्पून जिंजर और गार्लिक पेस्ट है, इसमें से हाफ हम बेसन में ऐड कर लेंगे। 5 से 6 हमने लाल मिर्ची ली है, ये कश्मीरी लाल मिर्च है, इसका कलर अच्छा आता है। और एक छोटी प्याज ली हुई है, इसे हमने रफली चॉप किया हुआ है। एक बड़े साइज का टमाटर, इसे भी हमने रफली चॉप किया हुआ है। हम इन तीनों चीज़ों का पेस्ट बना लेंगे। तो बेसन में सबसे पहले हम हाफ नमक ऐड कर देंगे, उसके बाद में हाफ हल्दी ऐड कर लेंगे और हाफ ही गरम मसाला ऐड कर लेंगे, रेड चिल्ली पाउडर और 3 हमने हरी मिर्चें कट की हुई है वो भी इसमें ऐड कर लेंगे, 1 टीस्पून जिंजर और गार्लिक पेस्ट ऐड कर लेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे पहले, फिर उसके बाद में हम इसे बड़े बर्तन में करेंगे। इन चीज़ों को हमने मिक्स कर लिया है, तो अब हम पत्तों के ऊपर डालेंगे ये बेसन। इस तरह से हम बेसन डाल लेंगे अपने पत्तों के ऊपर और अच्छे से इन्हें दबा दबा कर एक डोसा तैयार कर लेंगे। अगर हमें पानी की ज़रूरत होगी तो हम थोड़ा सा पानी भी यहाँ ऐड करेंगे। पहले हम इसे थोड़ा सा सॉफ्ट करेंगे इसको इस तरह से मलकर, और थोड़ा सा पानी हम और ले लेंगे। एक साथ ज़्यादा पानी नहीं डालना क्योंकि ये हमें बिल्कुल सख्त चाहिए होगा। अगर ये पतला हो जाएगा तो ये हमारे जो पतौवे हैं वो बनने में बहुत ज़्यादा मुश्किल आएगी, इसलिए हम थोड़ा थोड़ा पानी करके डालेंगे और इस तरह से मलते जाएंगे। देखिए, ये देखिए हमारा डो बिल्कुल बन करके तैयार है जैसा कि हमें चाहिए, बिल्कुल सख्त। तो इसके हम 3 पार्ट कर लेंगे इस तरह से, और इस तरह से हाथों में हल्का सा तेल भी लगा सकते हैं, हल्का सा पानी का हाथ लगा लीजिए ताकि ये आपके हाथों से चिपके नहीं। और इस तरह से हम गोल गोल करके एक ग्लास पानी को हमने कढ़ाई में गरम करने के लिए रख दिया है और इसे हमें स्टीम में पकाने हैं, क्योंकि हमने एक गिलास पानी को बॉईल करने के लिए रख दिया है। इसके अंदर मैंने ओवन की जाली लगा के रखी हुई है, उसके ऊपर मैंने नेट रखी है, ये दूध वाली जो हम दूध पर ढकते हैं इस वक्त। तो अब हमारा पानी बॉईल हो चुका है और इस तरह से हम अपने पतौवे बना बना कर रख देंगे और इस तरह से हम सारे बना लेंगे। हमने इस तरह से सारे पतौवे बना लिए हैं और बना करके इसे स्टीम में 10 से 12 मिनट स्लो टू मीडियम फ्लेम पर हम पकाएंगे। हमारे पतौवों को पकते हुए 12 मिनट हो चुके हैं और इस बीच हमने इसको एक साइड से दूसरी साइड पलट दिया था इस तरह से। तो अब हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इनको बाहर निकाल लेंगे, ठंडा होने के बाद में इसे कट करेंगे। हमारे पतौवे ठंडे हो गए हैं और हमने इस तरह से 1/2 से 1.25 इंच के पीसेस में कट कर लिया है इन सभी को। ये मैंने दिखाने की वजह से आपकी वजह से छोड़ दिया था। उधर हमने कढ़ाई में ऑयल को गर्म कर लिया है। कढ़ाई में मैंने 1 सर्विंग स्पून के बराबर ऑयल डाला हुआ है और ये मस्टर्ड ऑयल है। आप इसे चाहें तो वेजिटेबल ऑयल में बना सकते हैं, लेकिन इसका जो टेस्ट है मस्टर्ड ऑयल में बहुत अच्छा आता है। वो हमने गर्म करके ठंडा कर लिया है और अब हम इसको फ्राई कर लेंगे। इसमें ज़्यादा ऑयल हमने इसलिए नहीं डाला है क्योंकि ये सारा ऑयल अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा। तो इसे हम फ्राई कर लेंगे, करीब 2-3 मिनट इसे फ्राई कर लेंगे। इसमें हल्का सा गोल्डननेस आ जाना चाहिए, गोल्डन कलर आ जाना चाहिए हल्का सा।
पतंगों को फ्राई होते हुए तकरीबन 1 से 1.5 मिनट हो चुका है और देखिए इनका कलर हमारा चेंज होने लगा है पतंगों का। तो अब हम इसे बाहर निकाल लेंगे, चूल्हे का फ्लेम स्लो कर दूंगी मैं और इसे हम बाहर निकाल लेंगे इस तरह से। सभी को हम बाहर निकाल लेंगे। कढ़ाई में मैं 2 सर्विंग स्पून के बराबर और ऑयल डालूंगी। इसको मैंने पहले से गर्म करके ठंडा किया हुआ है तो ये हमने डाल दिया है। अब इसमें हम तड़के का सामान डालेंगे। पहले हम डालेंगे ज़ीरा और ज़ीरे को हल्का सा पिंकेज हो जाने देंगे। फिर उसके बाद में हम ये डालेंगे मेथी दाना, क्योंकि मेथी दाना बहुत जल्दी से रंगत बदल देता है। अब चूल्हे का फ्लेम मैंने स्लो कर दिया। अब इसमें हम डालेंगे ये मेथी दाना। हल्का गोल्डन हो जाने देंगे, वेट करेंगे थोड़ा। और इसमें सबसे पहले हम डालेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट और उसके बाद में हम डालेंगे अनियन, रेड चिली और टमाटर का जो पेस्ट बनाया हुआ था हम वो ऐड कर देंगे। इसके बाद में सॉल्ट, हल्दी और धनिया डाल देंगे। गरम मसाला हमने यहाँ पे छोड़ दिया है, वो हम बाद में ऐड करेंगे। और इस मसाले को बहुत अच्छी तरीके से हम भून लेंगे। इस मसाले का बिल्कुल जितना अच्छा मसाला हमारा भुना होगा सालन उतना ही मज़े का होता है। तो मसाला हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके भूनेंगे। मसाला हमारा बहुत ही अच्छी तरीके से भून चुका है तो इसमें अब हम पतंगे ऐड कर देंगे और अब हम इस पर पानी डाल देंगे। ये 500 ml पानी है, ये हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और ये हम सारा ही डाल देंगे क्योंकि पतंगे जो पानी है वो चूस लेते हैं। तो ये मैंने 1 कप पानी डाला है, इसमें 500 ml पानी आता है तो ये मैंने पूरा ऐड कर दिया है। यहाँ आप नमक वगैरह चेक कर सकते हैं और इसे स्लो टू मीडियम फ्लेम पर पहले एक बॉईल आने दूंगी, उसके बाद में हम इसे स्लो फ्लेम पे तकरीबन 10 मिनट पका लेंगे। पतंगों में हमारे बॉईल आ चुका है तो अब मैंने बिल्कुल स्लो फ्लेम कर दिया है। इसे 10 से 12 मिनट हम इसे स्लो फ्लेम पे पका लेंगे ताकि पतंगों के अंदर जो पानी है वो अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए, यानी कि वो टेंडर हो जाए, थोड़े सॉफ्ट हो जाए। तो 10 से 12 मिनट तक हम पकाएंगे स्लो फ्लेम पर। हमारे सालन को पकते हुए 10 मिनट हो चुके हैं और ये देखिए ये बिल्कुल परफेक्टली पक चुका है। बिल्कुल ठीक जैसी कंसिस्टेंसी हमें चाहिए वैसी ही है। अब ये थोड़ी देर रखने के बाद में और ज़्यादा ठीक हो जाएगी। तो अब हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसमें जो बचा हुआ गरम मसाला है वो हम स्प्रिंकल कर देंगे और उसके बाद में हम थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे। इसमें ज़रूरत होती नहीं है लेकिन हमने थोड़ा सा ऐड कर दिया है। इसके बाद में हम यहाँ चम्मच चला देंगे। अब इसमें हम हल्का सा चम्मच चला देंगे और 5 मिनट के बाद में हम इसे डिश आउट कर लेंगे। हमारे अरवी के पतंगे बन करके तैयार हैं। ये बहुत ही टेस्टी बनते हैं। इससे पहले मैंने दूसरे तरीके से अरवी के पत्ते बनाए हुए हैं, वो भी बहुत अच्छे और टेस्टी बनते हैं। ये आप लोगों की फरमाइश पे मैंने इस तरह से बनाए थे। आप लोग बोल रहे थे कि आपने दूसरे तरीके से नहीं बताए हैं तो ये मुझे उम्मीद है कि आपको ये ज़रूर पसंद आएंगे। ये किसी भी तरह की रोटी के साथ में सर्व किए जा सकते हैं, पराठे के साथ, पूरी के साथ। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आई है तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और अपने फैमिली के साथ में शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।